हेलो एंड वेलकम टू allroomkitchen.com। मैं सुमित हिरानंदानी, स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रॉपर्टी रिव्यू वीडियो में। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं एक बढ़िया प्रोजेक्ट पुणे के बानेर लोकेशन से, जहां पे आपको एकदम स्टाइलिश एंड रीजनेबल प्राइसिंग में स्पेशियस 3 BHK एंड 4 BHK फ्लैट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ के फ्लैट्स में आपको डिज़ाइनर फिटिंग्स वाले बढ़िया वॉशरूम्स देखने को मिल जाते हैं, स्पेशियस बेडरूम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं विथ वुडन टेक्सचर टाइल्स। लिविंग डाइनिंग एंड किचन एरिया में आपको मार्बल फिनिश्ड वेट्रीफाइड टाइल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। 3 BHK फ्लैट के साथ 3 बालकनीज दी जाती है एंड 4 BHK फ्लैट के साथ आपको प्रॉपर 4 बालकनीज यहाँ पे दी जाती है। आइए क्विकली प्रोजेक्ट डिटेल्स को भी समझ लेते हैं। 2.5 एकर्स के फ्री और लैंड पार्सल पे ये प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, जिसमें 5 टावर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अभी 2 टावर्स ओपन कर दिए गए हैं बुकिंग के हिसाब से। इसमें से एक टावर में आपको पर फ्लोर 4 फ्लैट्स दिए जाते हैं, सेकेंड टावर में पर फ्लोर सिर्फ 3 फ्लैट्स ही दिए जाते हैं। 2 लेवल्स ऑफ बेसमेंट एंड ग्राउंड पे आपको कवर्ड कार पार्किंग्स दी जाती है, उसके ऊपर 13 रेसिडेंशियल फ्लोर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको सारी की सारी मॉडर्न एमटीज दी जाती है, इंक्लूडिंग इन्फिनिटी एज स्विमिंग पूल। एंड पोजीशन वाइज बताऊँ तो दिसंबर 2026 से पहले पहले इसका पोजीशन आपको मिल जाएगा। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट महारेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में कोई भी लिटिगेशन नहीं है एंड रेप्यूटेड डेवलपर्स इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं। लोकेशन वाइज बताऊँ तो ये प्रोजेक्ट बानेर लोकेशन में आ जाता है। प्रोजेक्ट वेल कनेक्टेड है विथ औंध, पाशान, बालेवाड़ी, वाकड़ एंड हिंजेवाड़ी आईटी पार्क के साथ वेल कनेक्टेड है। एक वेल डेवलप्ड लोकेलिटी में ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, जहाँ पे आपको एक मॉडर्न लाइफस्टाइल जीने के लिए सारी सुविधाएं देखने को मिल जाती है। आइए क्विकली प्राइसिंग एंड साइजिंग को डिस्कस कर लेंगे। 3 BHK 1085 स्क्वायर फीट कारपेट के यहाँ पे अवेलेबल है, जिसकी प्राइसिंग 1 करोड़ 65 लाख ऑल इंक्लूसिव रखी गई है। 4 BHK 1552 स्क्वायर फीट कारपेट एरियाज के यहाँ पे अवेलेबल है, जिसकी प्राइसिंग 2 करोड़ 45 लाख ऑल इंक्लूसिव रखी गई है। प्राइजेस नेगोशिएबल है, आपको बेस्ट प्राइस डील allroomkitchen.com की तरफ से डेफिनेटली मिल जाएगी। चलिए क्विकली सैम्पल फ्लैट का टूर कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है, अगर आप पुणे की बेस्ट से बेस्ट वेरीफाइड प्रॉपर्टीज़ देखना चाहते हैं तो आपके चैनल ऑलरूम किचन को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्विकली सैम्पल फ्लैट का टूर करते हैं। 1085 स्क्वायर फीट का ये 3 BHK सैम्पल यहाँ पे रेडी है। आपको कुछ इस तरीके के वुडन लैमिनेटेड मेन डोर्स यहाँ पे दिए जाते हैं, जिसके साथ आपको डिजिटल लॉक की अरेंजमेंट दी जाती है, प्लस एक ब्रांडेड वीडियो डोर की अरेंजमेंट भी मिल जाती है। मेन डोर से आप जैसे अंदर आते हो आपको स्पेशियस एंट्रेंस लॉबी एरियाज यहाँ पे दिए जाते हैं। लगभग 13x5 साइज़ के ये स्पेशियस आपको एंट्रेंस लॉबी एरियाज दिए जाते हैं, जहाँ पे आप बड़े आराम से अच्छे साइज़ का आपका जो है शुरैक का अरेंजमेंट कर सकते हो, डेकोरेटिव आर्टिफैक्ट्स की अरेंजमेंट आपके एंट्रेंस में कर सकते हो, प्लस एक सिट आउट एरिया भी आप प्रॉपरली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ताकि आप बैठ के आपके शूज़ वगैरह प्रॉपरली पहन पाओ। यहाँ पे जो फ्लैट्स आपको मिलते हैं ये आपको बटरफ्लाई डिज़ाइन वाले फ्लैट्स मिलते हैं। तो लिविंग डाइनिंग के एक तरफ आपको गेस्ट बेडरूम मिल जाएगा, लिविंग डाइनिंग के दूसरी तरफ आपको किड्स बेडरूम एंड मास्टर बेडरूम की अरेंजमेंट दी जाती है। आइए पहले गेस्ट बेडरूम को चेक करेंगे। आ जाइए, इस तरफ आ जाता है आपका फर्स्ट बेडरूम, जिसे आप गेस्ट बेडरूम के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इसकी अगर मैं साइजिंग की बात करूं तो लगभग 12.1x10 साइज़ का एक अच्छे साइज़ का आपको गेस्ट बेडरूम मिल जाता है। एंड सभी के सभी बेडरूम्स में आपको कुछ इस तरीके के वुडन टेक्सचर टाइल्स दिए जाते हैं। एंड जो आपका लिविंग डाइनिंग एंड किचन एरिया है, वहाँ पे आपको मार्बल फिनिश्ड वेट्रीफाइड टाइल्स की अरेंजमेंट देखने को मिल जाती है। गेस्ट बेडरूम के साथ आपको अटैच्ड वॉशरूम एंड अटैच्ड बालकनी की अरेंजमेंट मिल जाती है। यहाँ पे अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूँ फर्नीचर के हिसाब से, तो यहाँ पे आप एक अच्छे साइज़ का आपका बेड ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इस तरफ आपको एक प्रॉपर स्पेस मिल जाती है, जहाँ पे आप बड़ा सा वार्डरोब यूनिट क्रिएट कर सकते हो, प्लस आप चाहें तो इधर एक टीवी यूनिट भी इंस्टॉल कर सकते हो। एंड एडिशनल आपको वार्डरोब यूनिट की ज़रूरत है तो वो भी आप बना सकते हो, या फिर ड्रेसर टेबल आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में बना सकते हो, या फिर एक छोटा सा वर्क स्टेशन के हिसाब से आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को डिज़ाइन कर सकते हैं। आइए मैं क्विकली अटैच्ड वॉशरूम आपको दिखाना चाहूँगा। एकदम प्रीमियम फिटिंग्स वाले यहाँ पे आपको डिज़ाइनर वॉशरूम एरियाज दिए जाते हैं, जहाँ पे आप टाइल्स देख लीजिए, रिच कलर कॉम्बिनेशन के टाइल्स दिए जाते हैं। एंड सीपीवेयर सैनिटरीवेयर आपको एकदम प्रीमियम जैगुआर के फिटिंग्स दिए जाते हैं। काफ़ी लैविश आपको वॉशरूम्स इन पर्टिकुलर फ्लैट्स में देखने को मिल जाते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। इस तरफ मैं आपको अटैच्ड बालकनी दिखाना चाहूँगा। नॉइज़ कैंसलेशन वाले स्लाइडिंग डोर्स को यूज़ करके आप आपके बालकनी पोर्शन में आ सकते हो। जो बालकनी आपको गेस्ट बेडरूम के साथ मिलती है, ये लगभग आपको 10.5x3 साइज़ की मिलती है। एंड एक लॉन्ग रनिंग बालकनी जो आपके लिविंग पोर्शन के साथ भी आपको अटैच्ड मिलती है। लिविंग पोर्शन के साथ जो बालकनी है, ये आपको 11x4 साइज़ की मिलती है। तो उस हिसाब से आपको काफ़ी बड़ी एंड लॉन्ग रनिंग आपको बालकनी एरिया आपके गेस्ट बेडरूम के साथ अटैच देखने को मिल जाती है। एंड बाहर जो बालकनी एरिया है, यहाँ पे आपको एक स्विच बोर्ड्स की अरेंजमेंट भी दी जाती है, तो बाहर आप डेकोरेटिव आर्टिफैक्ट्स वगैरह या फिर लाइटिंग्स वगैरह भी कर सकते हो, या फिर आपका मोबाइल या फिर आप लैपटॉप वगैरह प्रॉपरली चार्ज कर सकते हो। टफन ग्लास का रेलिंग का अरेंजमेंट आपको दिया जाता है, तो बाहर का व्यू वेंटिलेशन आप प्रॉपरली एंजॉय कर सकते हैं। प्रॉपरली कवर्ड बालकनीज ही आपको यहाँ पे दी जाती हैं। आइए बढ़ेंगे आगे की तरफ। आ जाइए, इस तरफ हम आगे जैसे ही बढ़ते हैं,
ये आ जाता है हमारा स्पेशियस लिविंग डाइनिंग एरियाज। डाइनिंग आपको कम्प्लीटली सेपरेट मिल जाता है जो आपके किचन के साथ अटैच मिलता है, और ये आ जाता है आपका सेपरेट आपका लिविंग पोर्शन। लगभग 16.6x11 साइज का स्पेशियस आप देख लीजिए, आपको लिविंग पोर्शन देखने को मिल जाता है। एक बार नीचे आप टाइल्स देख लीजिए, इसी तरीके की मार्बल फिनिश्ड वेट्रीफाइड टाइल्स आपको एंटायर फ्लैट में दिया जाता है। अगर मैं यहाँ पे अरेंजमेंट की बात करूँ तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप देख लीजिए, यहाँ पे एल शेप में या फिर सी शेप में आपका सोफा यूनिट आ जाएगा, बीच में सेंटर टेबल आ जाएगा, एंड इस पर्टिकुलर वॉल पे आप बड़ा सा वॉल माउंटेड टीवी यूनिट इंस्टॉल कर सकते हैं। उस हिसाब से आपको बड़ी सी स्पेस इस पर्टिकुलर वॉल पे मिल जाती है। एंड इस तरफ एक बार आप डाइनिंग भी देख लीजिए, अच्छे साइज का 6 सीटर का आप डाइनिंग का अरेंजमेंट यहाँ पे प्रॉपरली कर सकते हो, उस हिसाब से आपको अच्छे से स्पेस मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपका वीडियो डोर फोन प्रॉपरली इंस्टॉल करके दिया जाता है, ताकि आप जब भी डाइनिंग पे लिविंग पोर्शन में या फिर आप आपके जो है किचन एरिया में हो तो आप देख पाओ कि कौन विजिटर्स आपके जो है डोर पे खड़े हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे भी आपको देख लीजिए एडिशनल स्पेस मिल जाती है। तो इस पर्टिकुलर वॉल पे आप चाहें तो मंदिर घर या देवघर का प्रॉपरली अरेंजमेंट कर सकते हो, उस हिसाब से आपको यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है। आइए लिविंग के साथ अटैच जो बालकनी है उसे मैं दिखाना चाहूँगा। बड़े से नॉइस कैंसलेशन वाले स्लाइडिंग डोर्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन आपको इन पर्टिकुलर डोर से आपके लिविंग पोर्शन में मिलता रहेगा। आ जाइए, कुछ इस तरीके की आपको ये पर्टिकुलर अटैच्ड बालकनी लिविंग के साथ मिलती है, जो आपके जो है गेस्ट बेडरूम के साथ जो बालकनी है उसके साथ प्रॉपरली कनेक्टेड मिलती है। अच्छे साइज़ की बालकनी है, ऊपर से आपको प्रॉपरली कवर्ड बालकनी दी जाती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट की तरफ। आ जाइए, इस तरफ हम आगे जैसे ही आते हैं आपके डाइनिंग पोर्शन से ही अटैच्ड आपको मिल जाता है स्पेशियस पैरेलल प्लेटफॉर्म के साथ किचन एरिया। इसकी अगर मैं साइजिंग की बात करूँ तो 16x8.3 साइज़ का देख लीजिए आपको ये स्पेशियस जो है किचन एरियाज दिए जाते हैं। इंजीनियर्ड स्टोन से बने हुए ये आपको प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे दोनों तरफ बना के दे देते हैं। यहाँ पे मैं अगर अरेंजमेंट की बात करूँ तो डबल डोर का बड़ा सा फ्रिज आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में प्रॉपरली लगा सकते हो। ये आपका आ जाता है सर्विस प्लेटफॉर्म, तो आपका मिक्सर ओवन ग्राइंडर आप प्रॉपरली यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। नीचे आप मॉडुलर किचन ट्रॉलीज बना सकते हैं। ये आपका कुकिंग प्लेटफॉर्म आ जाएगा, तो यहाँ पे हॉब एंड चिमनी यूनिट की अरेंजमेंट आपको जिस तरीके से कर सकते हो, अगेन यहाँ पे भी आप मॉडुलर किचन ट्रॉलीज अरेंज कर सकते हो। ऊपर ओवरहेड कैबिनेट्स की अरेंजमेंट आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक सिंक पोर्शन मिल जाता है, दो आपको यहाँ पे टैप्स दिए जाएंगे। आपका वाटर प्यूरीफायर का इंस्टॉलेशन आप चाहें तो यहाँ पे ऊपर की तरफ कर सकते हो। ये आपकी एनक्लोज ड्राई बालकनी आ जाती है, स्पेशियस ड्राई बालकनी आपको मिल जाती है। एंड वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ देख लीजिए, काफ़ी बड़ी सी विंडोज़ मिल जाती है। नीचे आपको फिक्स्ड ग्लास के पोर्शंस मिल जाते हैं, एंड बीच में आपको कुछ इस तरीके के ओपनेबल स्लाइडिंग विंडोज़ दिए जाते हैं। ये जो विंडोज़ है ये डायरेक्टली बाहर की तरफ ओपन होते हैं, डक्ट में ओपन नहीं होते, तो आपको काफ़ी प्यारा वेंटिलेशन आपके किट्स आपके किचन एरिया में प्रॉपरली मिलता रहेगा। एंड जो ड्राई बालकनी है ये भी आपको स्पेशियस मिल जाती है, तो आप बड़े आराम से एक तरफ आपका वॉशिंग मशीन रख सकते हो एंड एक तरफ आप आपका डिश वॉशर रख सकते हो। इतनी इनफ स्पेस आपको इस सेक्शन में प्रॉपरली मिल जाती है। आइए बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट की तरफ। इस तरफ आ जाता है आपका कॉमन वॉशरूम। अगेन यहाँ पे भी देख लीजिए, आपको डिज़ाइनर कलर कॉम्बिनेशन के टाइल्स मिल जाते हैं, एंड जैगुआर के प्रीमियम सीरीज के आपको सीपीवेयर सैनिटरीज दिए जाते हैं, एंड काफ़ी अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के सीपीवेयर सैनिटरीज आपको यहाँ पे डेवलपर्स ने दिए हुए। आइए इस तरफ हम आगे जैसे ही बढ़ते हैं, ये आ जाता है आपका किड्स बेडरूम। ये भी स्पेशियस बेडरूम्स आपको दिए जाते हैं। किड्स के हिसाब से आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छे एंड डिसेंट साइज़ के आपको बेडरूम्स मिल जाते हैं। वेंटिलेशन के लिए आप देख लीजिए, काफ़ी बड़ी सी लगभग वॉल टू वॉल बड़ी सी विंडोज़ दी जाती है, तो काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन अगेन इस बेडरूम में भी आपको मिलता रहेगा। नीचे फिक्स ग्लास के पोर्शंस आपको मिल जाएंगे, ऊपर ओपनेबल स्लाइडिंग विंडोज़ की अरेंजमेंट मिल जाती है। साइज़ इतनी डिसेंट है आपको किड्स बेडरूम के हिसाब से कि आप यहाँ पे बेड वार्डरोब स्टडी टेबल एंड टॉयज सेक्शन बड़े आराम से आपके किड्स के लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे मास्टर स्वीट की तरफ। आ जाइए, ये आ जाता है आपका मास्टर स्वीट, एक अच्छे एंड डिसेंट साइज़ का अगेन ये मास्टर बेडरूम आपको मिल जाता है, जिसके साथ अटैच्ड वॉशरूम मिल जाएगा ना, अटैच्ड आपको यहाँ पे थर्ड आपकी बालकनी भी मिल जाती है। मास्टर बेडरूम में अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूँ तो ये पर्टिकुलर सेक्शन में आप एक अच्छे साइज़ का आपका वार्डरोब यूनिट डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपका आ जाएगा बेड, सामने की तरफ अगर आपको टीवी यूनिट इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं, प्लस आपको एक ड्रेसर यूनिट इंस्टॉल करना है तो उसके लिए भी आप देख लीजिए इस पर्टिकुलर सेक्शन में आप अच्छे साइज़ का आपका ड्रेसर यूनिट ऑर्गेनाइज कर सकते हो। एक अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है, अगेन यहाँ पे भी वुडन टेक्सचर टाइल्स आपको दिए जाते हैं। इसके साथ अटैच्ड वॉशरूम मिल जाते हैं, अटैच्ड बालकनी मिल जाती है। आइए पहले अटैच्ड वॉशरूम देख लेते हैं। आ जाइए, ये भी अगेन थर्ड वॉशरूम आपको मिल जाता है, अगेन डिज़ाइनर फिटिंग्स वाला वॉशरूम मिल जाता है। अलग कलर कॉम्बिनेशन के टाइल्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, एंड सीपीवेयर सैनिटरीज अगेन आपको जैगुआर के एंड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन के आपको सीपीवेयर सैनिटरीज यहाँ पे दिए जाते हैं। आइए बालकनी की तरफ चलते हैं। आ जाइए, बड़े से स्लाइडिंग डोर्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, तो आपके मास्टर बेडरूम में भी अच्छा वेंटिलेशन आपको मिलता रहेगा। आ जाइए,
10.6x3 साइज की ये आपको एक अच्छे डिसेंट साइज की बालकनी मिलती है। थ्री साइड कवर्ड आपको बालकनीज मिल जाती है एंड टफन ग्लास का आपको कुछ इस तरीके का रेलिंग का सेटअप मिल जाता है। प्रॉपर व्यू वेंटिलेशन आप यहाँ पे बाहर की तरफ खड़े रहकर एंजॉय कर सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पे भी एक स्विच बोर्ड की अरेंजमेंट बाहर की तरफ डेवलपर्स करके दे देते हैं। आ जाइए, अब बढ़ेंगे लिविंग डाइनिंग एरिया की तरफ। आ जाइए, तो कुछ इस तरीके के आप देख लीजिए, आपको यहाँ पे स्पेशियस 3 BHK एंड 4 BHK फ्लैट्स दिए जाते हैं। जो सैम्पल फ्लैट का टूर अभी हमने किया, ये 1085 स्क्वायर फीट कारपेट का 3 BHK का सैम्पल यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आज की ये प्रॉपर्टी आपको पसंद आई होगी। अगर आप बानेर लोकेशन में 3 BHK या 4 BHK फ्लैट ढूंढ रहे हैं तो एक बार आप इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए ज़रूर आएँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में, इसकी इंक्वायरी एंड साइट विजिट करना चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करें, साइट विजिट करने के लिए ज़रूर आएँ। हमारी प्रॉपर्टी कंसल्टिंग सर्विसेज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप हमें बेफिक्र होकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिव्यू वीडियो में। फॉर मोर वीडियोज़ फ्रॉम hallroomkitchen.com आप इन बटन्स पे क्लिक ज़रूर करें। अगर आप पुणे वेस्ट में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टी कम से कम टाइम में एंड बेस्ट से बेस्ट प्राइस पॉइंट पे दिलवाएंगे। ये हमारी कमिटमेंट है।